आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। घी निकालने के बाद जो मावा बच जाता है उससे बनाएंगे मिल्के, जिसके लिए मैंने एक बाउल मावा लिया है घी निकालने के बाद जो बच गया था, और उसी बाउल से मैंने एक बाउल मैंने दूध लिया है। यहाँ मैंने पैन चढ़ा दिया है और इसमें एक बाउल भी मिल्क डालेंगे। अगर आपके घर में मलाई है तो फ्रेश मलाई आप इसमें 2 टेबल स्पून डालेंगे। अगर आपके पास खोया है तो खोया भी डाल सकते हैं। अब इस मावे को या मलाई को दूध में मिला के थोड़ी देर 5 मिनट के लिए इसको गाढ़ा करेंगे। दूध में उबाल आने लगा है। अब इसमें जो हमारा घी का मावा है एक बाउल उसमें मिला देंगे। और इसको स्लो फ्लेम पे धीमे धीमे हम इसको चलाएंगे। अब हमारा थोड़ा सा ये गाढ़ा होने लगा है। जिस बाउल से मैंने मिल्क लिया था उसी बाउल से हाफ बाउल शुगर लेंगे। आधा चम्मच इलायची पाउडर, दो टेबल स्पून कोकोनट पाउडर, अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। ये हमारा गाढ़ा हो चुका है। पूरा पकने का ये पहचान है कि ये कढ़ाई छोड़ने लगता है नीचे से। जब इसको आप चलाएंगे देखिए नीचे से बिल्कुल प्लेन हो गया है। ये हमारा मावा गाढ़ा हो चुका है, मिल्क हमारा बन चुका है। थोड़ा सा और इसको पकाएंगे। ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। चारों तरफ से ये देखिए चलाने पर नीचे से छोड़ रहा है। यहाँ पे मैंने प्लेट लिया है जिसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। ये मैंने सारा प्लेट में डाल लिया है। इसको गर्म हाथ से न छुएं क्योंकि बहुत गर्म है। इसको चम्मच से या तो नाइफ से इसको प्लेन कर लें। अब इसको बहुत जल्दी ये खाने की, अगर जल्दी इसको कंज्यूम करना है तो फ्रीजर में डाल दें थोड़ा देर जमने के लिए, या तो इसको फ्रीज में डाल दें उसके बाद इसको कट करके अब इसका एंजॉय करें। मिल्क केक हमारा यहाँ रेडी हो चुका है, इसको एंजॉय करिए। जैसा भी लगे वो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।